आशा आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त। एडमिशन गोइंग ऑन। विजयादशमी के पावन उपलक्ष्य में आज चास बोकारो वासियों को कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सौगात मिली। व्यावसायिक नगर चास के बाईपास रोड में देसी चस्का नामक रेस्टोरेंट का आज शुभारंभ हुआ। वैभव होटल के समीप खुले इस देसी चस्का रेस्टोरेंट के उद्घाटन समारोह में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अतिथियों के आवभगत के पश्चात मुख्य अतिथि राजेश ठाकुर ने देसी चस्का रेस्टोरेंट का उद्घाटन कर इसे आम लोगों के नाम समर्पित करने का काम किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राजेश ठाकुर ने अपनी शुभकामना संदेश में कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर इस रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई है उसमें यह सफल बने। युवा व्यवसायी रंजीत कुमार की ओर से चास के बाईपास रोड में देसी चस्का रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई है, जहां लोग लजीज व्यंजन और भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। इस उद्घाटन समारोह में जिले के बरिया समाज सेवी भागीरथ शर्मा, चास थाना प्रभारी समेत कई गणमान्यों की भी उपस्थिति हुई। हाँ, लक्ष्मी कर लिया अपना काम। देखिए, चास में एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट खोला है देसी चस्का, हमारे मित्र बाबूलाल जी के बेटे ने खोला है, तो निश्चित रूप से एक हर्ष का माहौल है और हमें उन्हें लोगों ने न्योता दिया था तो उसको पूरा करने आया हूँ। हम समझते हैं चास में जिस तरह की व्यवस्था है उसमें एक नया आयाम साबित होगा ये देसी चस्का, और जिस तरह का बनावट देख रहा हूँ निश्चित रूप से चास के लोग इसका आनंद और लुत्फ खाने का उठा पाएंगे।